छत्तीसगढ़ के जिला राजनांदगांव में 13 लाख रुपए के इनामी नक्सली दंपत्ति ने आत्मसमर्पण किया। जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत गोंद सिंह कोवाची जिला कांकेर और महिला नक्सली एरिया कमेटी सदस्य, जोनल मेडिकल टीम सदस्य रामशीला धुवरे, मोहल्ला निवासी पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पित नक्सली 2006 से मानपुर डिवीजन में शामिल हुआ था। उन्होंने कबूल किया कि कई नक्सली वारदातों में शामिल रहे हैं। आत्मसमर्पित नक्सली गोंद सिंह ने बताया कि आंध्र प्रदेश के नक्सली नेताओं के द्वारा छत्तीसगढ़ के कैडरों से भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं और छत्तीसगढ़ के कैडर को निचले स्तर पर रखकर सिर्फ लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे तंग आकर आत्मसमर्पण कर राष्ट्र की मुख्यधारा में जुटने का फैसला किया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने आत्मसमर्पित नक्सली दंपत्ति को 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी गई है और पुनर्वास नीति के तहत मिलने वाले समस्त सुविधाओं का लाभ दिलाए जाने का आश्वासन दिया है। राजनांदगांव से सोन कुमार सिन्हा के साथ निमिष अग्रवाल की रिपोर्ट। मतलब आत्मसमर्पण करने का कारण तो मोहल्ला मानपुर क्षेत्र में पुलिस दबंद बढ़ने के कारण और नक्सलियों का गलत नीति से प्रतिदंडित होकर छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर पत्नी परिवार के साथ कुशल जिंदगी जीने का निर्णय लेके आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। कितने वारदातों में शामिल थे आप? कितने वारदातों में शामिल थे? उसमें तो मतलब 6-7 वारदात में शामिल थे। राजनांदगांव मोहल्ला क्षेत्र का, खासकर मोहल्ला क्षेत्र में। मैं 2010 में गई थी। 10 में क्या काम करते थे? सीने में काम करते थे। सीने में क्या होता है? नाच गाना। वो नाच गाना से मैं वो मतलब देख के खुशी होके मैं गई। अच्छा। बाद में मोला वहाँ से 10 में बस्तर ले गई। बस्तर में मैं हाँ डॉक्टर विभाग में रही हूँ। अच्छा, हमने सुना है कि आप गोली निकालते थे, ऑपरेशन करते थे, ऐसे कुछ करते थे? हाँ, सब जो नक्सली होगा। नक्सली हूँ के नहीं, गांव के जनता मन, गांव के। हाँ। और जो छोटी नक्सली होते हैं उनको निकालते थे? हाँ। कहाँ पे रही थी आप? वही बस्तर में। बस्तर में रही थी। हाँ। अब यहाँ आए कैसा लग रहा है? अभी अच्छा। 2 हार्डकोर नक्सली गैंग सिंह कवाची मोहला औंधे संयुक्त एरिया कमेटी का सेक्रेटरी, उनके साथ आए रामशीला ध्रुवे जो नक्सली सदस्य हैं, जिन पर गैंग सिंह पर 8 लाख इनाम है और महिला नक्सली 5 लाख इनाम है। इस तरह ये वो 2006 से नक्सलाइट फंड पर वो काम कर रहे थे, कमांडर भी रहा। करीब करीब 20-25 अपराधों में, लूट डकैती हत्या अपराधों में संलग्न है। उन्होंने आत्मसमर्पण करते हुए बताया कि पुलिस के दबाव, बढ़ते दबाव एवं छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास नीति एवं ये भी बताया कि आंध्र प्रदेश के जो हार्डकोर नेता है वो केवल छत्तीसगढ़ के जितने कैडर हैं उनको आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से परेशान करके आगे रखना, लेवी वसूली करवाना और उनके साथ अत्याचार शोषित करना, यह उनका लक्ष्य था। उनसे विचारधारा से हटकर इस विचारधारा में आना बताएं, जैसे आप लोग भी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.